एकदम बाढ़ की तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे थे और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ के 35% पहुंच गया था। 80,000 से लेके 1,00,000 टेस्ट रोज हो रहे थे और उसमें लगभग लगभग 27,000 तक मरीज आए हैं, 27-28,000 तक पेशेंट्स की संख्या रही है दिल्ली में, वो भी अब घट के नीचे आ गई है। तो एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेजी से कम हुए हैं, जितनी तेजी से केसेस बढ़े थे उतनी तेजी से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की जरूरत भी बढ़ी थी। और अब जबकि केसेस तेजी से नीचे आए हैं तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की कमी भी, ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी आई है। जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि उस समय के हिसाब से हमको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ केसेस इन हॉस्पिटल्स, बेड ऑक्यूपेंसी, इन सबको कैलकुलेट करते हुए हमें 700 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी। उस वक्त हमने केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था, माननीय अदालत ने भी इसमें मदद की और केंद्र सरकार के सहयोग से और कोर्ट के सहयोग से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन तो एक ही दिन मिली, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से SOS भी कम हुए हॉस्पिटल से आने। और आज पिछले 24 या 48 घंटे में बमुश्किल किसी हॉस्पिटल से एक आध जगह से SOS आता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और उसको तुरंत अरेंज कर दिया जाता है। हम इस संकट के समय में पूरे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संकट के समय में दिल्ली के लोगों की खूब आगे आके मदद की और उसकी वजह से हज़ारों हज़ारों जाने समय रहते बचाई जा सकें। आज हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, ज़रूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की नीड अब कैलकुलेट होके 582 मीट्रिक टन पे आ गई है। तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत अन्य राज्यों को है उनको भी इसमें से बाकी ऑक्सीजन दी जा सकती है। थैंक यू। मैंने इस पर लगातार बोला है, वैक्सीन की कमी तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में ज़रूरत थी वैक्सीन की और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे, हमने की, उसकी वजह से तंगी आई है। पर मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश की कंपनियों के साथ मिलके इसके प्रोडक्शन को भी मैनीफोल्ड बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी और साथ साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की है उसको भी करेगी। बाकी लेटेस्ट अपडेट हम देते रहते हैं इस पर। वैक्सीन पॉलिटिक्स हो या ना हो, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर एक्सपोर्ट रोक दिया होता तो वैक्सीन शॉर्टेज नहीं होती। उसके लिए हमारे DCPCR और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। थैंक यू। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस की भी दस्तक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया आग्रह, अफसरों से मांगी रिपोर्ट।